तेजस्वी यादव महागठबंधन के सभी 40 प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में पहले दिन से जमे हुए हैं। अभी 31 सीटों पर मतदान बाकी है। तेजस्वी एक दिन में कई सभाएं और बीच बीच में रोड शो भी कर रहे हैं। शुक्रवार को इसी क्रम में वरारिया में थे, तभी मंच पर ही उन्हें पीठ कमर में तेज दर्द होने लगा, इतना कि वह बैठ भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों ने सहारा देकर उन्हें मंच से उतारा और फिर कार से उन्हें हेलीपैड तक ले जाया गया। वह दरभंगा में शनिवार को प्रस्तावित एम्स की जगह पर सभा करने वाले हैं। उससे पहले शुक्रवार को वह दरभंगा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। इस दौरान तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को दरभंगा आ रहे हैं। उनके हिसाब से तो दरभंगा का एम्स बनकर तैयार हो चुका है, तो वह एम्स का मुआयना भी करेंगे कि कितना बढ़िया अस्पताल चल रहा है, यहाँ मरीजों का इलाज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि लगातार 10 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने केवल लोगों को ठगने और झूठ बोलने का काम किया है। बिहार के दरभंगा में 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा राज मैदान में होनी है। मोदी के चुनावी सभा से ठीक 2 दिन पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दरभंगा में कैंप कर महागठबंधन के उम्मीदवार ललित यादव सहित मिथिलांचल के महागठबंधन उम्मीदवारों के लिए गोलबंदी करना शुरू कर दिए हैं। तेजस्वी यादव अगले 4 दिनों तक दरभंगा में रहकर महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। राजद के अनुसार तेजस्वी यादव दरभंगा सहित अन्य इलाकों के विभिन्न विधानसभाओं में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम लोगों की 17 महीने की सरकार थी, तब हम लोगों ने एम्स के लिए शोभन बाईपास में जमीन दिया। इसके साथ ही DMCH के विस्तार करने का भी फैसला किया और DMCH में 2500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो जाए, ठीक उसी तर्ज पर जैसे PMCH बन रहा है। जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे, उसी वक्त हम लोगों ने निर्णय लिया था ताकि DMCH का गौरवशाली वजूद बचा रहे, एम्स को अलग से जगह दे दिया ताकि पूरे दरभंगा जिले का विस्तार और विकास हो सके। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने जो कहा, जो पूर्ण संपन्न हो उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो क्या चिराग पासवान खुद संपन्न दलित नहीं है? उन्होंने समस्तीपुर लोकसभा से जिन्हें टिकट दिया है, क्या वे संपन्न नहीं है? उन्होंने जिन्हें जमुई से टिकट दिया है, क्या वह संपन्न नहीं है तो और क्या है? हमने चिराग पासवान को याद दिलाया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो प्रावधान है उसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा के नेता कई मंचों से संविधान को खत्म करने की बात कह रहे हैं। चुनाव से जुड़ी ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।